हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नोमेनिया फैक्ट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फिनलैंड देश के बारे में। बताया जाता है कि फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था दुनिया में सबसे अच्छी है। फिनलैंड में बच्चे सातवें साल में जाकर स्कूल में दाखिल होते हैं। आज हम आपको छोटे से देश फिनलैंड के बारे में कुछ रोचक तत्व बताएंगे जो शायद ही आप ना जानते हों। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, फिनलैंड की जनसंख्या लगभग 55 लाख है। यहाँ एक वर्ग किलोमीटर में लगभग 18 लोग रहते हैं, जो यूरोपियन यूनियन में सबसे कम है। नंबर टू, मध्य युग में 1809 तक फिनलैंड स्वीडन देश का एक भाग था। नंबर थ्री, फिनलैंड में सूरज 23 घंटे उगता है और कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ 51 दिन तक रात रहती है। नंबर फोर, डोनाल्ड डक की कॉमिक फिनलैंड में बैन कर दी गई क्योंकि उसने कोई पैंट नहीं पहनी थी। नंबर फाइव, फिनलैंड यू तो कई मायनों में खास है, लेकिन दिलचस्प है कि वहाँ ट्रैफिक चालान लोगों की तनख्वाह के हिसाब से काटे जाते हैं। नंबर सिक्स, मोबाइल बनाने वाली कंपनी नोकिया कंपनी और एंग्री बर्ड बनाने वाली रोवियो कंपनी फिनलैंड की है। नंबर सेवन, यूके स्वीडन तथा फिनलैंड के पासपोर्ट आपके बिना वीजा के अधिकतर देशों में घूमने का अवसर देते हैं किसी और देशों के पासपोर्ट की तुलना में। नंबर एट, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आप अपना मोबाइल फोन फेंकना फिनलैंड में आधिकारिक खेल है। नंबर नाइन, आप फिनलैंड में बिल्लियों के नाखून नहीं काट सकते। नंबर टेन, यहाँ बीवियों को उठाने का एक विश्व स्तरीय प्रतियोगिता है जिसके विजेता को उसकी बीवी के बराबर वजन की बियर दी जाती है। नंबर 11, स्वीडन और फिनलैंड की सीमा पर एक गोल्फ क्लब है जिसके आधे होल्स एक देश में है तथा आधा दूसरे देश में। नंबर 12, फिनलैंड में हर 10 प्लास्टिक बॉटल में से 9 रिसाइकिल कर ली जाती हैं, जबकि 100% शीशे की बॉटल्स रिसाइकिल की जाती हैं। नंबर 13, हर साल फिनलैंड का सतही क्षेत्रफल 7 वर्ग किलोमीटर बढ़ जाता है क्योंकि ग्लेशियर के कारण यह समुद्र तल के ऊपर आ जाता है। नंबर 14, फिनलैंड वालों ने ही दुनिया का पहला इंटरनेट ब्राउजर दिया था। नंबर 15, फिनलैंड में कुल 187,888 झीलें हैं जिसके कारण इसे झीलों का देश भी कहा जाता है। नंबर 16, फिनलैंड में नेशनल स्लीपी हेड डे मनाया जाता है जिसके घर में सबसे देर तक सोने वाले सदस्य को घर के बाकी सदस्य पानी डालकर उठाते हैं। नंबर 17, फिनलैंड वासी कॉफी के सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। वे एक दिन में 3 से 4 कप कॉफी पी जाते हैं जो उसकी लाइफ पर सकारात्मक असर डालता है। नंबर 18, फिनलैंड में गाड़ी चलाते समय आपको हमेशा अपनी हेडलाइट्स ऑन रखनी होती है। नंबर 19, फिनलैंड के देवदार पेड़ों की जड़ों की लंबाई 30 मील से भी ज्यादा होती है। नंबर 20, यदि आप फिनलैंड में उत्तर कोरिया पैदल जाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक देश पार करना पड़ेगा और वो है रूस। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।